हम सब अपने घर का ध्यान कितने अच्छे से रखते हैं ना, पर अपने हाथों पे, अपने आप पे कभी ध्यान नहीं देते। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही लापरवाही हो जाती है। कुछ भी सोप यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी कास्ट आयरन का बर्तन क्लीन करते हैं, फिर जो स्टील के वो स्क्रबर्स आते हैं उनको यूज़ करते हैं, और हमारे हाथ कितने डैमेज हो जाते हैं ना। हमारा साथ हमेशा देते हैं और हमारी हेल्प करते हैं हमारे हर काम में, तो क्यों ना कभी इनके लिए भी कुछ किया जाए। सो मैंने यही सोच के अपने लिए लिया है यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए डिस वॉशिंग ग्लव्स। सो मैं इनको लेके आई थी, DIY सेंटर है यहाँ पर एक्सपीरिया मॉल में वहाँ से। अगर आपको भी कुछ ऐसा करने का इरादा है, अपने हाथों को थोड़ा पैम्पर करना है, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखें, अगर आप ग्लव्स जब तक नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम तक आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके रात को सोते समय और दिन में भी कम से कम 2-3 बार बॉडी लोशन ज़रूर अप्लाई करें। कुछ और नहीं तो एटलीस्ट ऑयल अप्लाई करें, क्योंकि ये हाथ हमारा जितना साथ देते हैं उतनी ही लापरवाही हम इनके साथ करते हैं। सो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है हाथों को पैम्पर करने के साथ, और घर को पैम्पर तो हम 24 घंटे ही करते हैं, यहाँ तक कि जब हम सोने जाते हैं तब तक घर का साथ देते हैं, और उठते ही फिर से घर के साथ शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो भी हमारा साथ देता है। तो आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा, पर आज है कांदा बटाटा पोहा। बहुत लोग ओनली बटाटा के साथ बनाते हैं, बहुत लोग ओनली कांदे के साथ बनाते हैं, बट मैंने सोचा आज कुछ फ्यूज़न बनाती हूँ और तरी वाला पोहा बनाती हूँ। तरी मतलब कि ग्रेवी वाला पोहा। सबसे पहले आप प्याज को भून लीजिए, फिर आलू को डालिए और टमाटर डालिए, फिर हल्दी और मिर्च को डालकर आप इसको थोड़ा सा पानी में अच्छे से उबलने दीजिए। उसके बाद आप पोहा मिक्स कीजिएगा तो एक अच्छा टेस्ट आता है। सो देखो, अभी है कांदा बटाटा तरी वाला पोहा रेडी। तो इसको मैं तो खाती हूँ दही के साथ, पर मेरे पति देव को ये पसंद है चाय के साथ, तो उनके लिए बना दी है चाय, और मैंने अपने लिए ले लिया है यहाँ पे दही। और मुझे लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, और यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के साथ ही, इसके पहले मैं, जब मेरा पोहा बन रहा था उसके पहले मैं कर रही थी आयरन। तो आ जाते हैं हम आयरन की बात पे। तो मैंने लिया है एक गारमेंट स्टीमर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वो आप सबको बहुत पसंद आया। सो मैं आपको उसका रिव्यू देना चाहूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा गारमेंट स्टीमर है जो कि मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, और ये गुड सिटी कंपनी का है। कुछ 2600 के अराउंड मुझे पड़ा था। अगर आपको चाहिए है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सारे कपड़ों के फैब्रिक ऐसे होते हैं जिन पे अगर हम आयरन करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और कपड़े का कलर जाता है, कभी ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ओवरकोट्स रहते हैं, या कुछ इस टाइप के जॉर्जेट के कपड़े, या कुछ फैंसी सूट्स, गाउन्स, जिन पे हम आयरन नहीं कर सकते हैं, पर गारमेंट स्टीमर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ हैवी लहंगा और साड़ीज़ वगैरह, लांचा भी बोलते हैं गाउन्स, उन पे भी, नेट पे भी स्टीम आयरन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट स्टीम आयरन, सॉरी, गारमेंट स्टीमर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने परचेज़ किया अमेज़ॉन से, बट मैंने इसको देखा बिग बॉस 16 में था। इस साल के पहले वाला जो लास्ट सीज़न था ना, 16 ही था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, पर बिग बॉस में मैंने देखा था। वो टीना हमेशा यूज़ करती थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत काम की चीज़ है और हमारे पास इसको होना चाहिए। मैंने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, अच्छा चीज़ है, आजकल काफ़ी नई चीज़ें भी आ गई हैं मार्केट में। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैं और मेरे पतिदेव आज जा रहे थे मंदिर, और प्लीज़ डोंट जज मी, कभी कभी मुझे ऐसे नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ आप थोड़ा सा ये टेबल को साइड कर दीजिए, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग की आदत हो गई है ऊपर बैठने की, सो कभी कभी ऐसे नीचे भी हमें बैठना चाहिए। वो बोले कि अच्छा आइडिया है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो उन्होंने भी मेरी ये बात को माना और टेबल को साइड कर दिया। इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है, या जैसे भी आपको मेरा ब्लॉग लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।